गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल काउंटिंग है। सो आज है डे 2। कल का ब्लॉग कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं, मैंने शुरुआत तो करी थी लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए, इसीलिए उसका नाम भी मैंने कुछ वैसा रखा था। लेकिन आज के ब्लॉग को हम ऐसा नहीं होने देंगे। डेट है आज 26 सितंबर और टाइम हो रहा है 9:46। सो आज का दिन करते हैं शुरू। हम खाना खा चुके हैं, यानी हमारा दिन तो शुरू हो चुका है कम्प्लीटली। अभी हमको एक दो काम करना है, जो मार्केट जाना है, थोड़ा कुछ प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद थोड़ा घूमेंगे और वापस आएंगे। एक दो काम निपटा के आज मार्केट चलेंगे। अभी कल हमारा दिन ज़रा गड़बड़ हुआ था, तो आज उसकी पूरी भरपाई होगी। अब कोशिश रहेगी कि हम ऐसा बार बार ना करें, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी मैं तुमको पहले बाहर दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। जरा कुछ कणप्रयाग संगम पर आज काफ़ी भीड़ लगी है, लेकिन शायद टूरिस्ट आ रहे होंगे बाहर से। वहाँ पर गंगा स्नान करते हैं और कर्ण मंदिर के साथ भी लग रही है काफ़ी भीड़। इसमें दिख तो नहीं रहा है पर संगम पर काफ़ी दिख रहे हैं। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा कणप्रयाग। इधर देखो कहीं धुआं भी लगा हुआ है, किसी ने आग लगाई होगी। और ये देखो, चेक करो उधर ट्रैफिक भाई। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अभी यात्रा बस आते बहुत कम हो गई है, पर फिर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखो, इधर से लेकर लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की उधर तक। वो देखो, वहाँ थोड़ा खाली है, पुल भी थोड़ा खाली है। बाकी हमारे सूर्य देवता रहे वहाँ और हम रहे इधर। ऐसा कुछ है मौसम आज बाहर का। टाइम 10 बजने वाला है, थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं मार्केट में। बाइक चले आने ज्यादा ऊपर थोड़ा है वो। जब भीड़ लग रही है आज मार्केट में। फाइनली मार्केट से आ चुके हैं वापस। मार्केट के सारे काम हो चुके हैं खत्म, दिन का टाइम हो चुका है 12:30 और भूख लग रही है, तो थोड़ा चाय भी नहीं कुछ करते हैं। उमेश, हेलो हेलो, ठीक है, चाय पिएगा? ठीक है, चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं तुम्हें। और वो कान में लगा रखे हैं उसने दो बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, मैंने ध्वनि और रोधक। किचन की हालत, दिन के 2 बज चुके हैं, तो खाने की तैयारी हो चुकी है शुरू और आज बना रहे हैं अपनी वर्ल्ड फेमस खिचड़ी। पेट गर्म हो रहा है, तो सुबह से चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर और रहने देते हैं, फिर चेक करेंगे। खाना में से कैसा बना रहे हैं, क्योंकि उमेश भाई खाना नहीं खा रहे हैं, इसलिए मैं अकेला हूँ, तो जो पसंद है वो खाएंगे। और इसे खाए हुए बहुत वक्त हो चुका है, करीबन 2 महीने शायद इससे ज़्यादा। बनाते खाते हैं, अभी तो बनाने आया मुझे, तो बनाने के बाद मिलता हूँ मैं सीधे के सीधे। कुछ होगा तो बताएंगे बीच में। अरे, इस बारे में तो बताना ही भूल गया भाई। ये देखो, इस लैडर के हाल, ये कल मैं इस भाई के करिए दे रहे हैं उसने, क्योंकि यहाँ पे रखा था। और दाल बनते बनते ये फूट भी गया साथ में, पटाखे जैसे चोट, बॉम्ब जैसे चोट हुई थी पूरी की पूरी। हमें लगा पता नहीं क्या ही हो गया, बाद में देखा लाइटर ही फट गया। और आधा आधा थोड़ा इधर दाल में गिरा एक टुकड़ा, पर पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा। ऐसी कुछ हालत बची उसकी आखिरी में। ये देख लो, इतना ही बचा है, यहाँ पर रखा हुआ, पटम गर्म होकर फूट गया। ये तो ऐसा होता रहता है हमेशा, मुझे लगता है ये हो गया ऐसा आया। हो गया। ओ भाई, हो तो गया, अब बना के मिलता हूँ मैं। तो मैं अभी जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो उससे बोलते वक्त मेरी पूरा आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होती है। अभी मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, शायद आई होप कि आवाज़ सही आ रही हो। और खाना हमारा बन चुका है, ये दिख रहा है हमारा पूरा कर्णप्रयाग। और ये रहे हमारे सूर्य देवता इस टाइम पे, काफ़ी प्यारा दिख रहा है और बादल सबसे बड़े दिख रहे हैं उधर।
और देखो टॉप पे छत कह रहा हूँ मैं, पहाड़ के ठीक ऊपर प्रॉपर तरीके से, और वरा संगम जो कि इस टाइम पे बिल्कुल खाली रहता है, दिन में कोई क्यों नहीं जाता ना क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। वैसे एक दो लोग बैठे तो हैं वहाँ, पर बाकी ज़्यादातर हिस्सा, और ये नदियाँ देखो दोनों के दोनों, ये काफ़ी साफ है, ये काफ़ी गंदी है, वो है पिंडर नदी, ये है अलकनंदा नदी जो कि वो उधर कुमाऊँ साइड से आती है, और ये तो बद्रीनाथ के हिसाब से आती है, तो वहाँ बारिश आ रही होगी, मौसम ख़राब होगा, बादल उधर ही तरफ दिख रहे हैं, तो वहाँ की नदी ज़्यादातर काली रहती है। आजकल हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं हर दिन काली है, यानी उधर की साइड बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। ये वहाँ से बहुत दूर है क्योंकि लंबी का यहाँ से 90 करीबन उससे ज़्यादा ही होगी, 90 या 96 किलोमीटर के आसपास ही नदी है यहाँ तक पहुँचने से पहले, तो उधर कहीं भी बारिश आ रही होगी तो पूरी की पूरी नदी गंदी हो रही है। इधर की साइड मौसम सही है, उधर की दिक्कत है, और सामने देखो उधर साइड छाया है, इधर अभी धूप है, उधर भी धूप है, थोड़ी देर बाद उधर पूरी छाया हो जाएगी क्योंकि पहाड़ के पीछे यहाँ सूरज चले जाता है। ऐसा कुछ नज़ारा है अभी कणप्याक का, और कल के मुकाबले अभी मैं वीडियो सही बना रहा हूँ। कल हमने कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दी थी, वीडियो बनाई ही नहीं, बहुत कम 2 मिनट या 3 मिनट, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा शॉट डाले थे कुछ, लेकिन आज हम इसको प्रॉपर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। सो ये है हमारे महान उमेश भाई जो चलते चलते लाइव देख रहे हैं, लाइव कर रहे हैं सॉरी, तो जिसे लाइव देखनी है वो उमेश हे उमी डॉट 16 समथिंग समथिंग या चेरी नाम से सर्च कर लें उनको शाम को रोज़ लाइव दिख जाएगी। और अभी जा रहे हैं हम घूमने, फिर से आ चुके हैं मार्केट नहीं, इस बार हम दूसरी रोडों पे, ये रही अपनी कोई रोड, उधर सामने से गाड़ी भी आ रही है, ये रहे हम, वो देखो उस कैमरे के अंदर, यहाँ पे हम फिर उतर चुके हैं हम यहीं सड़कों पे श्री 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 कंडारी जी के साथ जो कि फिलहाल लाइव में बिजी हैं, या उन्होंने लाइव एंड कर दी है ये नहीं पता। ये रहे हमारे कंडारी जी जिन्हें हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने चैनल पे, वरना ये कहीं छुपे रहते हैं, आज उन्होंने धन्य दर्शन दिए अपने और हमारे साथ जुड़े रहिए वर्चुअल शहर पर। आज हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तुम भी देख लेना थोड़ी देर में, जहाँ भी जाएंगे पता चल जाएगा। कार पहुंच गए हम अपनी मंजिल पे, बताना चाहेंगे आप, यह है हमारा फ्यूचर रेलवे स्टेशन जो कहीं यहाँ ही पे दिखेगा बाद में, यहाँ कहीं ये इस वाले एरिया में, और वो रहा उसका पुल जो पहले बन चुका है, स्टेशन अब बनेगा, यहाँ भी कुछ हो रहा है, चलो वहीं जाके देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि हम यूम ट्यूब के पीछे पागल हो ही गए हैं, तो कोई बात नहीं, इनको असली पागलपन दिखवाते हैं क्या होता है, चलो। ये देखो गाइस हमारे कंडारी जी का गांव वहाँ कहीं है, हमारा गांव उधर साइड कहीं है, दिखता भी नहीं है यहाँ से। चलिए ये चल रहे हैं हम, इनका अनुसरण करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो यार कणप्याक की टनल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है बिल्कुल जोरों शोरों से, आवाज़ मुझे नहीं पता कितनी आ रही है इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ। ये हमारे उमेश जी जो हमें दिखा रहे रास्ता, और ये भाई एक टनल इधर को है और दूसरी इधर को है दिखने रही, और वो रही दोनों तरफ के पुल काफ़ी दिख रहा है यार, वो देख लाइट भी जल गई वहाँ उधर, तो देख हाँ देख क्या मस्त लाइट लग रही है वहाँ अंदर, चलो आगे की तरफ चलते हैं, बहुत कमाल है। सो ये है हमारी उमेश भाई, और ये है इनकी पुरानी स्कूल जिसे हम देखने आ रहे हैं, राजकीय इंटर कॉलेज सिवाई विकासखंड पोखरी जैन बच्चों वाली, बता देना कमेंट में कोई और किसी और की भी स्कूल होगी तो हमें पता चले, और ये उनका गदेरा पुराना वाला, अब यहाँ पर उनके लिए नई ताल बनी है उत्तराखंड के सिलेबस में, हाँ एक नई ताल जिसको जिस जो मिस कर रहे हो यहाँ आ सकता है, अपने स्कूल को भी देखेगा साथ में नहा के भी जाएगा और उधर कंस्ट्रक्शन वाले उत्तराखंड के सिलेबस में एक और ताल जोड़ दो, हाँ कौन सी ताल, सिमाई स्कूल ताल, घर आई 5 मीटर, ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल्स क्या क्या नहीं करना चाहिए, फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट सीट बेल्ट पहननी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, ट्रैफिक रूल पता नहीं, यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग भाई, ये स्कूल के बच्चे हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, फॉलो करो जो भी गाड़ी चलाता है, वो देखो जैसे वो आ रहे हैं उधर से, कोई हेलमेट नहीं पहन रखा, ये रही इनकी स्कूल जिसका हम मोयाना कर रहे हैं, मोयाना सरकारी प्रॉपर्टी का मोयाना कर रहे हैं। अपने कुछ विचार दीजिए भाई अपने पुराने स्कूल के बारे में, अब आप यहाँ से बात करके जा चुके हैं इतना सारा वक्त हो चुका है, जरा बताइए अपना एक्सपीरियंस स्कूल में पुराना। विचार तो क्या थे, विचार ये देना चाहते हैं कि अगर सरकार इतना डेवलपमेंट कर ही रही है स्कूल के बगल पे, इतना सब चल ही रहा है,
तो स्कूल का भी डेवलपमेंट कर दो। काफ़ी सुंदर विचार है उमेश भाई के अपने स्कूल के प्रति, होता ही है लगाओ अपने स्कूल से, पुराने स्कूल से अगर अच्छा हो सके तो बहुत बेहतर होगा आने वाले बच्चों के लिए। हमारा लास्ट लुक यहाँ से, उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस, करीबन आधा घंटे या 15-20 मिनट में यहाँ हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया इस जगह को बाय बाय बोलने का। और ये रहा हमारी चढ़ाई का रास्ता, फिर से मस्त वाटर टैंक बना है यहाँ पे, ऊपर से दिखाऊंगा रुको एक सेकेंड। ये रहा दो दो वाटर टैंक, एक इधर वाला एक उधर वाला, और वही ड्रिलिंग मशीन। अभी तक दूसरे ऊपर वाली यार की थी, अभी ऊपर गई है, अभी सेकेंड आ रही है, शायद शिफ्ट चेंज हो रही है तो अभी वाली अंदर जाएगी, वो वाली बाहर आ गई है। और अभी इस जगह का हम बोलते हैं यहाँ से बाय बाय, और जंगल के रास्ते हम निकलते हैं वापस रूम पे। करीबन एक घंटे की हमारी जो सैर थी वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, हम एक घंटे के लिए बाहर आए थे घूमने के लिए, अब हमारा वापस जाने का वक्त हो गया। उमेश भाई पहले पहले भागे और अब मेरे को उनके बराबर पहुँचना आ रही है। चलो भाई, हाँ ये नहीं, क्या प्यारा लग रहा है भाई सामने वाला बादल देखो, बिल्कुल अभी सनसेट हो रहा है ना तो बिल्कुल पीली पीली रोशनी पड़ रही है उस पर, और काफ़ी प्यारा लग रहा है। और उसके साथ ये रास्ता भी जिससे हम अब जा रहे हैं घर की ओर। तो इसी के साथ आज का दिन हमारा ख़त्म होता है, करीबन 6 बज चुके हैं और हम 5 बजे आए थे घर से, 1 घंटा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं वापस रूम की ओर। ये रहे हमारे उमेश भाई जिनके साथ आज का दिन काफ़ी बढ़िया गया है, कल से हमने काफ़ी तरक्की करी है, कल का ब्लॉग हमने बाद में छोड़ दिया था, उसकी वजह से आज हमने पूरा ब्लॉग बनाया जो कि एक अच्छी बात है। और ये कुछ मौसम है हमारा इस टाइम पे, बिल्कुल सनसेट हो रहा है ठीक बीच है, अब यानी कि इधर अब डूब ही चुका है सूरज बुरी तरीके से, उधर कहीं हो रहा होगा देहरादून साइड। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे 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 राधे।